दोस्तों यहाँ पर लाइव प्रूफ आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि 36,000 का लोन जो है यहाँ पर सेंक्शन हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 3,000 से 36,000 तक का जो है यहाँ पर लोन आप लोगों को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग देखो लाइव प्रूफ में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, 15 महीने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, 12 महीने के लिए मिल रहा है, 9 महीने के लिए मिल रहा है। तो आप लोग कितना अमाउंट आप लोगों को चाहिए वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को मिल सकता है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर देखने को मिल रहा है 36,000 का लोन मिल रहा है, 3,000 से 36,000। तो यहाँ पर आप लोग इससे सिलेक्ट कर सकते हो किस तरीके से आप लोगों को कितना अमाउंट चाहिए वो आप लोग एज़ पर योर नीड आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो 15 महीने के लिए मिल सकता है, अगर छोटा अमाउंट करोगे तो आप लोगों को इतना लंबा टेन्योर नहीं मिल सकता है, ठीक है, आप लोगों को छोटा टेन्योर मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी है आप लोगों को देखने को मिलेगा, सारा कुछ डिटेल बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, जो कि आप लोगों को पूरा दिखना है एंड तक, बिना स्किप के आप लोग एंड तक देखिए। एप्लीकेशन का नाम भी बताऊंगा, कैसे कैसे अप्लाई करना है, जो ट्रिक्स है, जिस तरीके से अप्लाई किया था वो ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों का लोन जो है रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहिए, आप लोगों को सब कुछ जो है डिटेल वाइज समझाता हूँ। तो चलिए बाकी का जो है डिटेल वाइज समझा देते हैं। दोस्तों आप लोगों को लाइव प्रूफ मैंने दिखाया कि 36,000 का लोन जो है यहाँ पर अप्रूव हुआ है, और यहाँ पर कितना लोन मिल रहा है वो तो मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ, कितना अप्लाई करने पर क्या मिला है और कितना डिसबर्समेंट होकर अकाउंट पर आया है, क्या क्या स्टेप्स है, क्या 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 लिखना है, क्या नहीं लिखना है, वो मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग सोचते हो कि आप लोगों का लोन रिजेक्ट हो जा रहा है, यहाँ पर आज इस वीडियो में जो भी लोन एप्लीकेशन का नाम बताने वाला हूँ, जो भी लोन एप्लीकेशन आप लोगों को डिटेल्स देने वाला हूँ, इस लोन एप्लीकेशन में रिजेक्शन होने का चांस बहुत ही ज्यादा कम है। आप लोग अगर अप्लाई करोगे, अगर मानो 100% लोग अप्लाई कर रहे तो यहाँ पर 80% लोगों का जो है लोन एक्सेप्ट होगा, बाकी 20% जो है हो भी सकता है रिजेक्शन। ऐसा नहीं कि 100% एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई भी ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं होता कि भाई जो भी अप्लाई करेगा सभी का एक्सेप्ट हो जाएगा। बाकी का जो है आप लोगों को डिटेल वाइज समझाने वाला हूँ कि यहाँ पर कितना अमाउंट आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोग लाइव प्रूफ में देख सकते हो, एज पर स्क्रीन यहाँ पर रिकॉर्डिंग आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि लोन में जो है अप्रूवल देखने को मिल रहा है कि 36,000 का लोन यहाँ पर अप्रूव हुआ है। अब 36,000 का लोन अप्रूव हुआ है, नेक्स्ट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है कितना महीने के लिए अप्रूवल मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो 3 महीने के लिए मतलब 12 महीने के लिए मिल रहा है, यहां पर जो भी है 15 महीने के लिए मिल रहा है या फिर 9 महीने के लिए मिल रहा है, तो बाकी का जो डिटेल्स है आप लोग देख सकते हो। अगर मानो 15 महीने के लिए 36,000 का लोन मिल रहा है तो 2800 का जो है 2900 का जो है यहां पर आपका पर मंथ के हिसाब से ईएमआई बन रहा है। 12 महीने का अगर करोगे तो आप लोगों का 3500 का जो है यहां पर आप लोगों का ईएमआई बन रहा है। अगर 9 महीने के लिए करोगे तो आप लोगों का 4,000-4,500 के आसपास जो है यहां पर लोन का पर मंथ के हिसाब से आ रहा है। और भी प्लान्स है जो कि आप लोग नीचे देख सकते हो, ठीक है, आप लोग उससे भी कम अमाउंट का ले सकते हो, मतलब कम दिन का ले सकते हो टेन्योर का, ठीक है। ज्यादातर जो है आपको 15 महीने के लिए यहां पर मिलने वाला है। अब ये 36,000 का जो लोन है यहां पर 3,000 से 36,000 आपको मिलने वाला है, तो इसके बीच का अकाउंट आप लोगों का अमाउंट आपको चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 36,000 का अप्रूवल मिला है, सबसे ज्यादा गलती यहीं पर करते हैं लोग कि भाई 36,000 का मिल गया तो 36,000 ही अप्रूवल कर देते हैं। 36,000 अगर मिल रहा है या फिर जितना भी हाईएस्ट अमाउंट आपको मिल रहा है उतना अप्रूवल आपको लेना नहीं है, उससे कम ही अमाउंट लेना है। चाहे आप 20,000 ले सकते हो, 16,000 ले सकते हो, 15,000 ले सकते हो, वहां पर आप लोगों को पूरा अमाउंट का अप्रूवल लेना नहीं है। यही गलती करते हो और आप लोगों का लोन रिजेक्ट हो जाता है। यहां पर आप लोगों को सबसे पहले अगर मानो जो भी है यहां पर आप लोगों को डिटेल तो समझना पड़ेगा ये लोन एप्लीकेशन क्या है, कौन सा लोन एप्लीकेशन है। देखिए थोड़ा सा डिटेल्स आप लोगों को समझा देता हूँ आखिर ये लोन एप्लीकेशन कौन सा है। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ठीक है, अगर आप नाम सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। नाम आप लोगों को मैं वीडियो के में ही आप लोगों को बता दूंगा, अगर पूरा वीडियो इन तक देखोगे बिना स्किप किए तो आप लोगों को डेफिनेटली जो है लोन मिल जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन भी मिल जाएगा और लोन भी मिलेगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो 4.4 का रेटिंग्स है और वो भी 5 लाख से ज्यादा जो यहां पर रिव्यूज है। 4.4 का रेटिंग्स मतलब बहुत बढ़िया रेटिंग्स है यहां पर आप लोग बोल सकते हो। 10 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड है, मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड है। अगर 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है तो 50 लाख लोगों को मिला ही होगा लोन, ठीक है। अगर इतना लोगों को मिला है लोन तो इसमें डिसबर्समेंट ऑलमोस्ट 80% लोगों को मिला ही है, ठीक है। अब इसमें अबाउट एप्लीकेशन में लेकर चलते हैं। यहां पर अबाउट एप्लीकेशन में देखने को मिल रहा है ये लोन जो भी दे रहा है ये एक्सप्रेस लोन की तरफ से दे रहा है, ठीक है। आप लोगों को बाकी का डिटेल्स देखने को मिल रहा है कि सिंपल कैलकुलेशन दिखा रहा है कि भाई अगर आप लोगों को अगर 10,000 मिल रहा है 6 महीने के लिए तो इंटरेस्ट रेट 18% पर एनम के हिसाब से अगर पड़ रहा है तो 1795 आपको पेमेंट करने का पड़ेगा जो है पर मंथ के हिसाब से। 200 रुपए का प्रोसेसिंग फीस होने वाला है, टोटल रिपेमेंट आपको करना पड़ेगा 10,000 का 10,730 रुपए। तो ये वो जो है वैरी करेगा, जो भी अमाउंट होगा वो वैरी करेगा। जस्ट एन एग्जांपल ये है, ठीक है, आप लोगों को इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो अगर मानो ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करने का जो सबसे पहला आप लोगों को डैशबोर्ड मतलब इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा वो है आपको मोबाइल नंबर का एंट्री करने के लिए बोला जाएगा। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा वो आपको आधार कार्ड वाला मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। आधार कार्ड मोबाइल से जो लिंक है उसी का नंबर यहां पर देना पड़ेगा। अब उसको देने के बाद आप लोग अगर नेक्स्ट करोगे तो एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते ही आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएगा कुछ परमिशंस जो है ग्रांट कराने के लिए यहां पर बोलेगा, जैसे कि ग्रांट आस सम परमिशंस।
क्या क्या लगेगा यहाँ पर, SMS लॉग्स लेगा, लोकेशन लेगा, मेटा डेटा लेगा और साथ ही साथ जो भी कॉन्टेक्ट वगैरह जैसा लेता है वो लेगा। आप लोग अलाउ एक्सेस करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को जो भी है एक्सेस जितना भी दे रहा है वो आप लोग दे दीजिएगा, अलाउ कर दीजिएगा। डिसअलाउ मत करना, डिसअलाउ करोगे तो एप्लीकेशन के अंदर जाने नहीं देगा। तो अलाउ करने के बाद जो पहला डैशबोर्ड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये वाला जो डैशबोर्ड आप लोगों को स्क्रीनशॉट में देखने को मिल रहा है, एक्सप्रेस लोन यहां पर लिखा है, ठीक है। नीचे लिखा है गेट अप टू 5 लाख तक का लोन आपका मिल सकता है, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट पर मिलेगा विद इन 5 मिनट्स के अंदर, 5 मिनट के अंदर मिलेगा, कोई भी पेपर वर्क होने वाला नहीं है। बस आपको यहां पर पैन कार्ड आधार कार्ड देना पड़ेगा। आप लोगों का सिविल अगर लो भी है खराब भी है तो आप लोगों को मिल जाएगा लोन यहां से, ठीक है। बाकी जो यहां पर जो भी एक्सप्रेस लोन है उसको क्लिक करने पर आप लोगों को गेट इट नाउ का जो लिखा है, गेट इट नाउ पे क्लिक करने पर नेक्स्ट पेज में लेके जाएगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो है आपका फर्स्ट नेम देना पड़ेगा जो पैन कार्ड में है, फर्स्ट नेम आपको देना पड़ेगा, लास्ट नेम देना पड़ेगा, ऑप्शनल यहां पर जो भी मिडिल नेम है उसको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ जो है आपका एज पर पैन कार्ड आप लोग डेट ऑफ बर्थ यही डालना, आपका जेंडर डालना मेल फीमेल, उसके बाद कम्युनिकेशन जो पिन कोड है आपका, कम्युनिकेशन करने के लिए पिन कोड जो भी है आप जहां पर रहते हो वो पिन कोड आप लोग डालना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा इंस्टेंटली वो फिलअप करने पर ही आप लोगों को मिल जाएगा कि कितना अप्रूवल आपको मिला है, हाउ मच डू, यहां पर 36,000 तक जो है आपको लिमिट मिल रहा है, 3,000 से 36,000, तो आपको यहां पर 15-20 तक करना है, उससे ज्यादा अगर आप करोगे तो आप लोगों को लोन रिजेक्शन मिल सकता है। अब यहां पर जो भी आप लोग देख सकते हो 15 महीने के लिए मिल सकता है, 12 महीने के लिए मिल सकता है, 9 महीने के लिए मिल सकता है, 6 महीने के लिए मिल सकता है और 3 महीने के लिए मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा, ये 100 मोर प्लान्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। अगर आप उसको क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा, छोटा अमाउंट होगा तो ज्यादा अमाउंट मतलब टेन्योर आपको नहीं मिलेगा, छोटा ही टेन्योर मिलेगा। तो नेक्स्ट में करने पर आप लोगों को डायरेक्टली बैंक अकाउंट यहां पर पूछा जा रहा है, बैंक अकाउंट का यहां पर बैंक का नाम देना पड़ेगा, अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, कंफर्म जो है अकाउंट नंबर आपको डालना पड़ेगा, IFSC कोड डालना पड़ेगा जो कि मैंडेटरी है। अब ये आप लोगों को कहां पर मिलेगा, पासबुक जो भी है बैंक का पासबुक उसमें जो है आप लोगों को मिलेगा लिखने को, मतलब हो जाएगा उसी में सब कुछ चीजें मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है, अगर नहीं है तो आप लोग बैंक में जाकर कॉन्टेक्ट करना, आपको लिख के दे देगा सब कुछ। उसके बाद जो टिक है उस टिक को कंफर्म करना पड़ेगा, दोनों टिक है, उसके बाद कंफर्म में क्लिक करने पर आपको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएगा। यहां पर एक चीज यहां पर एक्टिव करेगा वो है ECS इन एच सर्विस। अब वो एक्टिवेट करने पर क्या होगा कि अगर आप लोग मानो आप लोगों के बैंक अकाउंट पर पैसा है, आपका रिपेमेंट का डेट है 15 तारीख को, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो 15 तारीख को खुद से पैसा काट लेगा आपके बैंक अकाउंट से। लेकिन अगर मानो इनसफिशियंट फंड्स है तो ECS अगर एक्टिवेट होगा तो इन फ्यूचर चांसेस बन सकता है सेक्शन 25 का, ये भी मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूं। अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो इसमें ECS जो है एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ECS एक्टिवेट नहीं करोगे तो आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा, इसका प्रोसेस में पड़ता ही है। नेक्स्ट टाइम में आप लोगों को देखने को मिल रहा है ऑथेंटिकेशन जो है सक्सेसफुल का पेज देखने को मिल रहा है। कुछ देर वेट करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है ये पेज आ रहा है, यहां पर लोन का जो प्लान है सिलेक्ट किया था 16,000 का 9 महीने के लिए। तो यहां पर दिख रहा है कि बेसिक डिटेल्स कंप्लीट हो चुका है, जो भी बैंक अकाउंट है वो भी लिंक हो चुका है। अब लास्ट जो स्टेप है वो साइन इन का, एग्रीमेंट का जो है साइन इन बाकी हुए वो जो है अभी बाकी है। अब कंटिन्यू करते ही यहां पर जो भी अमाउंट है आप लोग ट्रांसफर करने से पहले आप लोगों को जो भी है एग्रीमेंट आएगा, साइन इन करना पड़ेगा, OTP वगैरह आएगा आपके फोन नंबर पे, उसी से आपका जो है ई साइन इन हो जाएगा। और साइन इन होते ही आप लोगों को ये पेज देखने को मिलेगा जहां पर लिखा है ट्रांसफरिंग योर लोन अमाउंट। अब ट्रांसफरिंग योर लोन अमाउंट जैसे ही करोगे तुरंत जो है आप लोगों को ये वाला जो आप लोगों को स्क्रीन में देखने को मिल रहा है ये जो है आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, कि आप लोगों का अप्रूवल मिल चुका है, आप लोगों के बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर हो चुका है। अब ये एप्लीकेशन कौन सा है, अब ये जानना है आपको ये एप्लीकेशन आखिर है कौन सा, तभी ना आप अप्लाई करोगे। एप्लीकेशन का नाम ही अगर नहीं पता होगा तो आप लोग अप्लाई कहां से करोगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आप लोग एप्लीकेशन का नाम ही नहीं बता, आप एप्लीकेशन का नाम ही नहीं बता रहे हो। हर वीडियो में बताता हूं लेकिन आप लोग वीडियो पूरा एंड तक नहीं देखते हो तभी आपको पता नहीं चलता, ठीक है, बीच में ही मैं बता देता हूं। अब यहां पर एप्लीकेशन का नाम बता देता हूं, इस एप्लीकेशन का नाम है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा जिसका नाम है LazyPay लोन ऐप एंड पे लेटर, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन अभी के टाइम में नया अपडेट आया है, इसके थ्रू आप लोगों को लोन मिल सकता है। अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो मैं जो भी स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताया उसी स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, डेफिनेटली आप लोगों को लोन मिलेगा, रिजेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा कम है। आप लोग यहां पर अप्लाई जरूर करें, बाकी जो है डिटेल्स मैंने आप लोगों को वीडियो में ही बता दिया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।